हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भीम विधायक सुदर्शन राव आज भी कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में विकास के नाम मतदान की अपील हेतु पहुंचे ग्रामीणों के बीच। लोकतंत्र में वोट की अहमियत ग्रामीणों को समझाई। गांव के चहुमुखी विकास के लिए कांग्रेस की सरकार से कड़ी जोड़ना आवश्यक। राजसमंद भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत 8 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच विधायक सुदर्शन सिंह रावत मात नराणा पारडी कुंदवा तथा कुआंथल ग्रामीणों के बीच पहुंचे और विकास के नाम पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील की। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने विधायक का ढोल नगाड़ों से स्वागत कर माला एवं साफा पहनाकर मान सम्मान किया। विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि आज राज्य सरकार कांग्रेस की है और भीम विधानसभा क्षेत्र का विधायक भी कांग्रेस का है। अन्य गांवों की चौमुखी विकास के लिए कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान कर कड़ी से कड़ी जोड़ना आवश्यक है। विधायक ने चंबल परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने निर्वाचित होते ही सबसे पहले क्षेत्र में पेयजल समस्या की गंभीरता को समझा और महसूस किया कि भीम विधानसभा क्षेत्र में पेयजल का कोई स्थायी स्रोत नहीं है, क्योंकि इसकी ऐसी भौगोलिक स्थिति है कि ना तो इस क्षेत्र में कोई बड़ी नदी बहती है ना ही कोई बड़ा तालाब है। अतः पानी का जमीन भी स्रोत नहीं के बराबर है। इस समस्या का स्थायी समाधान मात्र चंबल परियोजना से ही क्षेत्र को जोड़ना था। विधायक ने अथक प्रयत्न कर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार से गुहार लगाई और उन्होंने समस्या को जाना परखा और पहले ही बजट में भीम विधानसभा क्षेत्र को चंबल परियोजना से जोड़ने की स्वीकृति प्रदान कर DPR हेतु आवश्यक बजट स्वीकृत भी कर दिया। अब ग्राउंड पर सर्वे का काम तीव्र गति से चल रहा है। विधायक ने ग्रामीणों से अपील की कि अब ग्रामीणों का ये कर्तव्य है कि वे कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान कर कांग्रेस की सरकार को ये दिखा दे कि भीम विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण वासी कांग्रेस की विकास की नीति रीति विचारधारा के साथ है। विधायक ने ग्रामीणों को बताया कि आजादी के बाद ये पहला मौका है कि कांग्रेस की सरकार द्वारा भीम विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए 101 करोड़ से अधिक की राशि एक साथ स्वीकृत की है। पिछले 15 वर्ष से भाजपा के कुशासन द्वारा भीम विधानसभा क्षेत्र को उपेक्षित रखा गया और अब ग्रामीणों को ये भरोसा हो गया है कि कांग्रेस की सरकार ही ग्रामीणों का हित कर सकती है। विधायक ने अपील की कि ग्रामीण अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें तथा मतदाताओं को भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्र तक लाएं। विधायक ने लोकतंत्र में वोट की अहमियत को भी ग्रामीणों को समझाया कि एक वोट भी अमूल्य होता है और भाजपा के झूठे प्रचार प्रसार के भ्रम में ना रहें। विधायक ने सात चुनाव प्रचार में जिला परिषद सदस्य हेतु कांग्रेस प्रत्याशी मोहनलाल वर्मा तथा देवगढ़ पंचायत समिति के पंचायत समिति सदस्य कांग्रेस प्रत्याशी वार्ड 5 से देव गुजर, वार्ड 6 से ज्ञान कंवर, वार्ड 7 से हमीद चंद, वार्ड 8 से श्रवण गुजर भी साथ रहे। मात सरपंच अर्जुन सिंह राठौड़, नराना सरपंच सुगना कंवर, पारडी सरपंच हीरा लाल गुजर, कुंदवा सरपंच संतोष देवी तथा कुआंथल सरपंच श्यामू देवी भी साथ रहे। इस तरह युवा कांग्रेस नेता अनुराग सिंह रावत, पूर्व उप जिला प्रमुख अमर सिंह चुंडावत, देवगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भवर सिंह चुंडावत, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देवगढ़ के पदाधिकारी, कांग्रेस कार्यकर्ता तथा कांग्रेस के अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी जगह जगह विधायक के चुनावी दौरे के समय शामिल रहे। जागरूक टीवी के लिए राजसमंद से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।